चुप क्यों हो भाई, बोलते क्यों नहीं? आवाज उठाओगे तो घर से नहीं उठा लिए जाओगे। आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आपके लिए आवाज उठाने कौन आएगा? बड़ा सरप्राइजिंग बात ये लगता है कि आपका ही सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, आपके साथ ही सबसे बड़ा गलत हो रहा है, आपके साथ ही अन्याय हो रहा है। बट हमारी ये यूथ कैसी है? आप पीजी के स्टूडेंट्स हो, लगभग हमारी उम्र लगभग 22, 23, 24, 25 में होगी, और हम सभी एक ही जैसे हैं। ये आवाज उठाने का ठेका बस कुछ लोगों ने क्यों उठा रखा है? मैं खुद को क्रेडिट ना भी दूं तो भी मैं यही कहूंगा कि बड़े कम लोग हैं जो कम से कम अपने ऊपर हो रहे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद भी शांत है। बड़ा अजीब बात है। अब आप सोचोगे सर, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं है? अगर मैं होता तो मैं तो उसी दिन आवाज उठाता ना जब पहली बार ये मुझे सुनने में मिला कि सीओटी पीजी का एग्जाम ये मार्च में ही होने जा रहा है। भाई हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जब अच्छे से पता है कि हमारा सिलेबस यूजी का ही होता है, मैक्सिमम कोर्सेज में यूजी का ही सिलेबस होता है, और वो पेपर बच्चे भी आने वाले सेमेस्टर्स में देने वाले हैं, मीन्स उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जस्ट फॉर वोटिंग, बस चुनाव के लिए आप लोगों ने एग्जाम पहले करा दिया। मेरी आवाज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। राइट नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बहुत हाई फीवर है, बट बच्चों के 1200-1200 मैसेज मुझे मजबूर किए कि नहीं मैं एक बार खड़ा होकर कुछ बोलूं जिससे आप भी कम से कम तसल्ली से रहो। इस काउंसलिंग के दरमियान मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे एक बार एक बच्ची का मैसेज मिला जो मैत्रेयी से पढ़ी हुई है, डेली की यूनिवर्सिटी आई थिंक, और वो बड़ा सरप्राइजिंग थी। थैंक गॉड कम से कम आपसे मेरी बात हो पा रही है। और उसके बाद जब मैंने उसकी पूरी प्रॉब्लम सुनी तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी जा चुका था। फिर भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए, उसके साथ जो गलत हुआ, उस लड़की ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन लिख के डीसी को, एजुकेशन मिनिस्टर को, यूजीसी को, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने लेटर लिखा। बाद में मुझे पता चला कन्वर्सेशन के बाद कि वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही है। आप समझ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी, बस कंप्लीटिंग, नॉट जस्ट लाइक कंप्लीट सिलेबस, वो सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आएगा। आपके अंदर हुनर है ना भाई, वो हुनर आप दिखाओ। गांव में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको आर्मी में जाना है, जिनको पुलिस में जाना है, भोर में उठ के कितनी रनिंग लगाते हैं, उनके अंदर मैंने वो जज्बा देखा है। भाई एक आप हो कि मतलब आप इस पे बोलना ही नहीं चाहते हो, एक आप हो कि मतलब इस पे एकदम शांत बैठे हो। आपको तो तभी तभी आवाज उठाना चाहिए था जब आपसे 1000 रुपए एडमिशन कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं। क्यों लिया जा रहा है जब ऑलरेडी मेंशन है यूजीसी के गाइडलाइन में, ये बात मेंशन कर दिया गया कि भाई ये 1000 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा जब तक आप इस एडमिशन प्रोसेस में हो। इवन इसके बाद भी 1 मंथ तक आपको सुविधा दी गई है कि आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा, और आपसे वो लोग पेमेंट ले रहे हैं, बीएचयू पीजी एडमिशन में 1000 डिडक्शन जा रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कल को ये लोग पता क्या बोलेंगे, मुझे समस्या बताई तक नहीं गई थी, एक बच्चा इस पे आवाज नहीं उठाया था, ये ऐसा बोलेंगे यार, हम तो इनसे बहुत ही अच्छे से वाकिफ है ना, हम तो जानते हैं इनका पूरा प्रोसेस जो है। भाई इनको क्या है, इनकी एसी चलती ही रहेगी, इनको गर्मी लगती नहीं है, इनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नहीं है, इनको साल में एक बार विदेशों का आराम से घूम के आ जाना है, मजे हैं भाई। तो प्लीज आप जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो आवाज उठाओ। फ्री का राशन खाने से नहीं होगा, बोलो फ्री की शिक्षा दो हमें, ये एजुकेशन फ्री करो, ये भर भर के इतने पैसे मत दो हमसे सेमेस्टर एग्जाम के नाम पे, इसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए। ये अवेयर यूथ कहाँ है भाई, वो जागरूक युवा कहाँ है? अपने लिए नहीं बोल रहे, हम जैसे लोग नहीं बोल रहे, ये हमारे बूढ़े दादा दादी आके बोलेंगे क्या, हमारे नाना नानी आके बोलेंगे क्या, या वो जो हमारे घर में पापा मम्मी बैठे हैं जो दिन भर हमारे लिए पैसे इंतजाम कर रहे हैं, वो बोलेंगे क्या? भाई यही यूथ है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हमारे में से ऐसे कईयों के माँ बाप होंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। ये ऐसी पहली जनरेशन हमारे आजाद भारत की है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यूथ है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि आज हम इस पूरे पृथ्वी के ऐसे देश है जहां पे सबसे ज्यादा युवा रहता है। इतने अडल्ट एज के बाद, इतने कॉन्शियस माइंड के बाद आप एक आवाज नहीं उठाते हो।
धर्म के गलत पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें फंसे हुए। अब आप मुझे बोलोगे आप तो चैनल चलाते, भाई मैं स्टूडेंट भी हूं, ये जाके उन उन गधों गवारों से बोलो जो बस बस इसी बस पैसे कमाने के लिए चैनल चलाते हैं, जो हमेशा बस प्रोपोगेंडा के लिए चैनल चलाते हैं। मैं इसलिए नहीं चलाता, मैं बस इसलिए चला रहा होता ना तो मैं बस व्यूज के पीछे भागता और फालतू वीडियोज बना के ढेर सारे व्यूज के पीछे मैं एजुकेशनल चैनल ही नहीं चलाता भाई, अगर मुझे पैसे ही कमाने होते, क्योंकि मैं फिर कंट्रोवर्सी में घुस जाता। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मुझे लगता है मैं करके पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। मुझे मजा आता है पढ़ाई करके, मुझे मजा आता है लोगों का साथ देके, मुझे मजा आता है लोगों की सहायता करके। ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ग्राउंडेड बात है। मैं रहता भी बड़ा सिंपल लाइफ हूँ, लेकिन ये वीडियो मेरे पे नहीं है ना, ये वीडियो आप पे है। जो 1200-1200 मैसेज आ रहे हैं उसमें 300-400 मैसेज दुहाई वाले हैं, रहम वाले हैं, दया भाव वाले हैं। सर मेरी मदद करो, आप अपनी मदद खुद से पहले क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे तक पहुंच पाने में देरी हो जाएगी, मैं आप तक पहुंचूं उसमें देरी हो जाएगी, तब तक तो अपनी सहायता कर लो। क्यों ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हो जा रहा है, उनसे पूछो ना। अभी एक बच्ची का डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हो गया, जब मैंने बोला कि क्यों रिजेक्शन हुआ उनसे पूछो, उसने मेल डाला हुआ तो पता चला कि आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके विजिट करो ऑफिस में। अगर उसे ऑफलाइन ही बुला रहा था तो पहले क्यों नहीं बुला लिए, ये काउंसलिंग ऑफलाइन ही करा लिए होते? मतलब गधों के सरदार ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मतलब एकदम पोपट माइंड है क्या भाई? क्या काउंसलिंग करा रहे हो, कैसे कैसे लोग हैं ये, किस टाइप के स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग इस पद में बैठे हुए हैं भाई? बीएचयू कोटा अलग खा रहे हो, जब सीएससी के पोर्टल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब ऑलरेडी कई सालों से आ रहे हैं, जब एकेडमिक काउंसिल के ब्रोचर में लिखा हुआ है, तो फिर आप इससे क्यों मुकर सकते हो? ये सामर्थ ने आपको भेजा तो कि आपकी आंखें बंद थी जो नहीं नजर आई कि हाँ ये किताब कैसे डिसमिस हो रहा है, कैसे सीवन सीटू में ये ठीक से मैच नहीं कर रहा है, यानी ये कैसे अनबैलेंस हो रहा है। तो हर चीज की आवाज उठाने के लिए भाई देखो, मैं चलो ठीक है, मैं इसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, धरना करो, गेट बंद कर लो, थाली पीटो, दरवाजे बंद कर लो, जोर लगाओ, चिल्लाओ, ठीक है, इस पे शांत हो जाता हूं, मैं इसको फेवर नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपके आपको एक लेटर लिखने नहीं आता है, आपको एक मेल लिखने नहीं आते है? भाई कम से कम आप अपने लिए आवाज उठाओ। मैं कहूंगा आपसे 1000 रुपए लिया गया तो वो वाला आर्टिकल यूजीसी का लाके उसी में मेल में टैग करो और बोलो कि यहाँ पे यूजीसी का गाइडलाइन है कि 1000 रुपए डिडक्शन नहीं होगा, क्यों लिया जा रहा है? आपके एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं, पूछो किस बेसिस पे कैंसिल हो रहे हैं? आपके कट ऑफ में आने के बाद भी आपको एडमिशन अगर किसी कारण से नहीं मिल रहा तो कारण बताइए मुझे। मल्टी कोर्सेज के ऑप्शंस में पहले विड्रॉल करो, उसके बाद फिर जाके उस कोर्स का एक्सेप्ट करो। इस तरीके का इतना क्रिटिकल, इतना हार्ड कोर्सेज बनाने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस के बच्चों को पता चलेगा क्या? ऐसे पोर्टल बनाया जाते हैं, कैसे कैसे इंजीनियर हायर करके रखे हो भाई? इस बेरोजगारी के समय में आपको तो फिर भी बड़े कम पैसे में अच्छे इंजीनियर मिल जाते हैं। आपको नहीं मिल रहा है, मेरे पास आओ। मैं कह रहा हूं आपका अगर ईगो हर्ट ना हो ना तो आप मुझे रख लो, फ्री में आपके बहुत सारे काम कर दूंगा, मैं फ्री में एडवाइस तो दे ही दूंगा और अच्छा एडवाइस दूंगा भाई कि एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करना चाहिए, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे काम करना चाहिए, एडमिशन होना कैसे चाहिए, ये तमाम चीजें। मैं तो पिछले 3-4 साल से आपके एडमिशन सिस्टम को देख रहा हूं और मैंने कई जगहों पे वार्न भी किया है, जाके आप मेरे मेल आईडी से देखो ना, नीट से बीएचयू के नाम से कितने मेल गए हुए हैं, आप देखो मैंने कितने सुझाव दिए हैं, मेरे कम्युनिटी जाके देखो कितने सुझाव दिए हैं। ऐसा हल्के मत ले लेना कि मुझे आपके ब्रोचर के बारे में, ये 67 का ब्रोचर, उससे कम पेजेस में अच्छा ब्रोचर मैं लिख दूंगा आपके पूरे एडमिशन पॉलिसीज पे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, बस करना नहीं चाहते हो, लेजी एक नंबर के और मोरालिटी है ही नहीं। नैतिकता नाम की चीजें तो आपने पिछले कई साल पहले त्याग दिया भाई। अगर आपके अंदर नैतिकता होता तो जो बच्चे हैं ना, अपना बच्चा समझ के आप उन्हें अच्छे से एडमिशन करवा लेते, इतना भाग दौड़ नहीं करवाते। और ये एनडीए का मामला तो अलग ही है, हमारी गवर्नमेंट तो अलग ही काम कर रही है, हमारी इस गवर्नमेंट को तो एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर एजुकेशन से लेना देना होता तो कम से कम ये चीजें जरूर ध्यान में रखी गई होती। वेयर इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? इट्स 24 है ये, कहां है 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाई?
मैं तो अंजु कुमार जी से क्वेश्चनिंग करूंगा, ठीक है, हमारे कैबिनेट में कुछ मंत्री पढ़े लिखे नहीं है, मे भी मेरे टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री में लोग पढ़े लिखे नहीं है, अंजु कुमार जी आप तो बीसी रह चुके हो, आप तो वाइस चांसलर रह चुके हो, आप तो इतने कॉन्शियस पढ़े लिखे प्रोफेसर रह चुके हो, और आप राइट नाउ यूजीसी के चेयरमैन हो, क्या आपको भी नहीं समझ में आता है कि बस एक ट्विटर पे ट्वीट डाल देने से सोल्यूशन नहीं मिलता है? आप देखो ना, क्वेश्चनिंग करो ना ये सब यूनिवर्सिटीज से, आपके सामने तो 1,000 रुपए डिडक्ट किए जा रहे हैं, आपके सामने ही तो कोर्सेज की फीस बढ़ाई जा रही है, तो आप क्यों नहीं पूछते हो? आप तो मेन यूजीसी के चेयरमैन हो भाई, आपके अंडर में पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काम करती है, आप बस गाइडलाइन देते हो। तो मैं तो पूछूंगा इन लोगों से क्वेश्चन, कभी मतलब करो ना, सही मायने में डिस्कशन करो ना एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स से मत जोड़ो ना, रिलीजन से मत जोड़ो ना, बस शैक्षणिक मुद्दों पे आओ ना, कभी मिलके बातें करें, फिर मैं भर भर के आपको प्रॉब्लम बता दूंगा। मैं बोल तो रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहां है, वेयर इज न्यू सिलेबस, कहां है कोर्स ऑफ कंटेंट, भाई बताओ ना, ये तमाम चीजें अभी भी लैग कर रही है यूनिवर्सिटीज में। जस्ट गोइंग टू एंड ऑफ सेशन, आपका एडमिशन प्रोसीजर मीड में भी नहीं है भाई, आपने जब आपको इतना लेट करना था तो आप इतना पहले एग्जाम क्यों करा के रखे हुए हो? यूजी वालों का क्या हो रहा है, यूजी वालों के साथ क्या हो रहा है, यूजी वालों के साथ बताओ ना, आंसर की नहीं आया है, रिजल्ट तो छोड़ दो, इन यूनिवर्सिटीज को रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 1 महीना मिलना चाहिए, तब तक हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे होंगे भाई, तो क्या आजादी के बाद एडमिशन दोगे क्या, बताओ ना मुझे। जुलाई स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज अब मेरी बात का पूरा सोल्यूशन क्या है, जिसको एकदम नहीं समझ में आता है, जिसको मेरी बातें पल्ले ही नहीं पड़ी हो, कुछ मत करो भाई, एक लिंक पे क्लिक कर सकते हो, इतना कर सकते हो, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करो, जैसे ही वीडियो रैंक करे पहला, दूसरा सब्सक्राइब करो जिससे मेरे पास एक अच्छे यूथ का सपोर्ट हो, तीसरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर का लिंक है, रिट्वीट मारो, और चौथा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे ऑफिशियल्स के मेल मिल सकते हैं, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको उन ऑफिशियल्स के मेल दूंगा, और आप उन मेल पे अपना लेटर लिख के मेल करो। इसलिए वो मेल डायरेक्टली पब्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूं कि ऑफिशियल्स लोगों को कचड़े वाले मैसेज चले जाए, मैं चाहता हूं कम से कम अच्छे बच्चे एक स्टेप्स के बाद आए और अच्छा मेल लिखे। कुछ भी लिखोगे तो वही है ना कि भीड़ में वो कहेंगे कुछ भी आ रहा है मेल में, अच्छा मैसेज आए, जैसा कि उस यूपीएससी के लड़की ने लिखा, बहुत अच्छा मेल था, मैं कम्युनिटी में डालूंगा, आप लोग पढ़ लेना, लग रहा था कि दम है। तो प्लीज आप जो बनना चाहते हो ना, वो हुनर आपके अंदर नजर आना चाहिए। मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं भाई, मैं आवाज क्यों नहीं उठाऊंगा, नहीं कर रहा होता तो भी एज ए कॉमन स्टूडेंट आवाज उठाता, ये मेरा राइट है, ये आप मेरे से नहीं छीन सकते हो, ये मेरा हक है, मेरे साथ गलत करोगे मैं आवाज उठाऊंगा, मेरा एडमिशन छीन के दिखाओ ना, नहीं बैठूंगा शांत, है मेरे पेन में इतना दम, मैं लिख के अपना एडमिशन ले लूंगा, नहीं करूंगा कहीं बंद गेट, लेकिन मैं लिख के एडमिशन ले लूंगा। ये जो घर बैठे स्टूडेंट्स हैं जो अपने बीएचयू वालों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, अपने अपने भाई अपने बैचमेट्स का साथ दो यार, वो अकेले आपकी लड़ाई क्यों लड़े, फायदा तो आपको भी मिलेगा ना। तो प्लीज ये वीडियो अपने हर एक ग्रुप में शेयर करो, हर कहीं ऑफिशियल भी टैग कर दो, ट्विटर पे डालो, हर कोई पहले सब वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को समझे, जाने की कहां कहां प्रॉब्लम आ रहे हैं, और गार्जियन प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें और अपने बच्चों का समर्थन दे। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।